आप सभी को मेरा नमस्कार एक बार सभी लोग कमेंट में बताइए क्या ऑडियो और वीडियो दोनों सही है क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जल्दी से कमेंट में बताइए सुन पा रहे हैं ठीक है आवाज तो चलिए हम लोग अपना आज का सेट नंबर शुरू करते हैं और सेट नंबर छः में आपका 17 जुलाई 2023 हजार तेईस नंबर टू मैथ का क्वेश्चन है सीजियल का सीजियल प्री का देखिए लिखा हुआ है एक त्रिभुज की तीन भुजा की लंबाई तीस बयालीस और एक्स है तो एक्स में का कौन सा विकल्प सही है तो इसके लिए तो कॉन्सेप्ट है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है तो दो भुजाओं का योग तीस और 42, बहत्तर बहत्तर एक्स से बड़ा होगा और दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होता है तो 42 और 30 का अंतर बारह एक्स से छोटा होगा तो ऐसा वाला ऑप्शन होगा आप ध्यान दीजिए ये वाला है बहत्तर एक्स से बड़ा और एक्स बारह से बड़ा इस तो सवाल का उत्तर जो होगा वो सी ऑप्शन एकदम सही उत्तर है आगे देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में अट्ठासी से पूर्णता विभाज सबसे बड़ी पांच अंकों की संख्या ज्ञात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि अट्ठासी से तभी कटेगा जब ग्यारह और आठ से कटेगा तो पहली बात तो ये आठ से कटेगा नहीं ये आपका ये भी आठ से नहीं कटेगा आठ एकम आठ आठ गुना सोलह आठ से नहीं कटेगा तीन से कटने का नियम है लास्ट का तीन अंक आठ से कटना आठ एकम आठ ठीक है आठ गुना सोलह आठ चौबीस से कट सकता है और ये कट सकता है लेकिन ग्यारह से भी कटना चाहिए नौ नौ अट्ठारह अट्ठारह चार बाईस ये नहीं कटेगा नौ नौ अट्ठारह अट्ठारह आवा छब्बीस और नौ छ पंद्रह छब्बीस में से पंद्रह जाएगा ग्यारह ये ग्यारह से भी कटता है और आठ से भी कटता है इसलिए आपका अट्ठासी से कटेगा ठीक है नेक्स्ट अगला सवाल चलिए ये आपका जो सवाल है लिखा हुआ देखिए यदि स्टोर द्वारा एक महीने में पच्चीस सौ लैपटॉप बेचे गए हैं तो कंपनी ए और सी बे, में बेचे गए लैपटॉप की संख्या का बीच अंतर क्या है? तो देखिए, पच्चीस टोटल बेचा गया है पच्चीस सौ यहां टोटल लैपटॉप परसेंटेज के रूप में सौ होगा ए और सी का अंतर सी है, है आठ परसेंट और ए है चालीस परसेंट चालीस और आठ का अंतर बत्तीस यहां से इसको काट दीजिए 25 गुना बत्तीस जो होगा वो 800 होगा तो इस सवाल को उत्तर 800 आएगा 800 आपका सी ऑप्शन में हो 800 जो है वो आपका सी ऑप्शन है ठीक है समझ में आ रहा है नेक्स्ट देखिए आगे ये सवाल है a प्लस वन बटा ए बराबर सात तो a का पावर फाइव प्लस वन बटा ए का पावर फाइव ये निकलेगा ए स्क्वायर प्लस वन बटा ए स्क्वायर निकाल लीजिए और साथ में एक क्यू प्लस वन बटा एक क्यू निकाल लीजिए और उसमें से आप ए प्लस वन बटा ए घटा दीजिए चलिए देखिए ये जो है ए स्क्वायर प्लस वन बटा ए स्क्वायर सात का स्क्वायर उनचास में से दू जाएगा सैतालीस सात का क्यू तीन सौ तैतालीस और माइनस सातिया 322 और उसमें से आपको a माइनस वन बटे यानी सात घटाना पड़ेगा अब आपको जल्दी जल्दी गुना कर दीजिए 40 से गुना कर दीजिए चार दुना आठ चार दुना आठ चार किया बारह सौ अस्सी सात से गुना कर दिए सात दुना चौदह सात दुना चौदह एक पंद्रह सात या इक्कीस एक बाईस जोड़िएगा चार आठ पांच तेरह आठ दो दस एक ग्यारह दो चार एक पाँच पंद्रह सौ हजार एक सौ चौंतीस में से सात घटा दीजिएगा तो पंद्रह हजार एक सौ आपका सत्ताईस हो जाएगा आपका पंद्रह हजार एक सौ सत्ताईस आपका पहला ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सवाल है ये हमेशा एग्जाम में आता रहता है साफ से नहीं दिख रहा है सर क्या साफ से नहीं दिख रहा है सर आप एक गलती करते हैं आठ बजे बोलते हैं आठ तीस में आते हैं दीपक कल से टाइम से लगा देना थोड़ा ठीक है बहुत सारा बच्चा बोल रहा है कि सर इंतजार करने में टाइम थोड़ा खराब हो जाता है और उसको बोल देना कि काट के और काला करके बोले रखने के लिए अभी हम बोल देते हैं उसको लेट होता है तो सही में दिक्कत होता है कॉस सैतालीस सेक एक को आप लिख सकते हैं सेक माइनस सैतालीस क्योंकि एक सौ अस्सी माइनस थीटा सेकेंड कॉन्डेंट में सेक नेगेटिव होगा कॉस इंटू सेक माइनस वन कॉशेक एक सौ छत्तीस एक सौ अस्सी माइनस थीट्ठा चौवालीस होगा कॉशेक चौवालीस साइन इंटू कॉसक आपका प्लस वन माइनस वन प्लस वन आपका जीरो उत्तर हो जाएगा इस सवाल का उत्तर जीरो हो जाएगा चलिए नेक्स्ट देखिए एक अच्छा सवाल ए बी और सी एक बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं और वे 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार के, के दो मीटर पर सेकंड, चार मीटर पर सेकंड और छह मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ते हैं ए और बी एक दिशा में दौड़ते हैं जबकि सी दोनों के विपरीत दिशा में दौड़ता है तो कितने समय बाद वे पहली बार मिलेंगे देखिए एक वृत्ताकार ट्रैक है ए भी इधर से दौड़ता है बी भी इधर ही दौड़ता है जबकि सी जो है उल्टा दौड़ता है तो आपको सब एक-एक चक्कर कितना देर में तय करता है वो निकाल लीजिए ये जो है 1200 बटा आपका ए और बी एक दिशा में चलता सापेक्षिक चाल घटेगा दो और चार का अंतर दो छह सौ सेकेंड में ये एक चक्कर तय करेगा विपरीत दिशा में सेम दिशा में और अब ए और बी हो गया अब कर लीजिए बी और सी बी और सी जो है आपका विपरीत दिशा में है तो जुड़ जाएगा बी का चाल चार है और सी का चाल छः है तो चार दस यानी एक सौ बीस सेकेंड में बी और सी आपका एक चक्कर पूरा करते हैं और सी और ए का जरा देखिए सी और ए भी विपरीत दिशा में चलेगा तो सी का चाल आपका छ है और ए का चाल आठ है तो पंद्रह आठ बीसा से एक सौ पचास सेकेंड में सी और ए तय करेगा तो आपका वैसा समय ढूंढिए जो 600 सौ से भी कटे एक सौ बीस से भी कटे और एक सौ पचास से भी कटे यानी आपका छः सौ सेकेंड में तीनों एक साथ मिलेगा तो 600 सौ सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए साठ से भागा दे दीजिए आपका हो जाएगा 10 मिनट और 10 मिनट जो आपका उत्तर है वो पहला ही ऑप्शन है ठीक है नेक्स्ट सवाल समझिए बढ़िया क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का ये लिखा हुआ है देखिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर निवेश किया गया मूलधन सात वर्षों में चौदह हजार पांच सौ बाईस और ग्यारह वर्षों में अठारह हजार नौ सौ छ रुपया हो जाता है निवेश किया गया मूलधन क्या है तो देखिए सात वर्ष में आपका सेवन ईयर में आपका जो अमाउंट है वो चौदह हजार पांच सौ बाईस है चौदह हजार सौ बाईस जबकि ग्यारह साल में वही अमाउंट हो जाता है आपका 18,906 इसका मतलब है कि चार साल में जो एक्स्ट्रा ब्याज होता है चार साल में वो कितना हो जाता है छः तो में से दो जाएगा चार दस में से दो जाएगा आठ आठ में से पाँच जाएगा तीन और ये आठ में से चार जाएगा चार ये तो चार साल का ब्याज तैतालीस सौ चौरासी है आप अगर सात साल का ब्याज निकाल लेते हैं एक साल का ब्याज चार एकम चार जीरो चार नवा छत्तीस चार चौबीस सात साल का ब्याज निकालना है सात से गुना कर दीजिए तो सात छियालीस नौ अचार सड़सठ और आपका दस सत्य सत्तर और छ आपका छिहत्तर इतना ब्याज है आपका सात साल में चौदह हजार पाँच सौ बाईस रुपया मूलधन है उसमें से आपका सात हजार छह सौ बहत्तर रुपया ब्याज है आप इसको घटाएंगे जीरो बारह में से सात या पांच ग्यारह में से छो जाएगा ठीक है गुना करने में गलत कर दिया क्या कम में से दू जाएगा चार दस में से दू जाएगा आठ नौ आठ में से पांच जाएगा तीन आठ में से आ जाएगा चार चार से काट देंगे सात चार ग्यारह चार कम चार जीरो चार नंबर छत्तीस दो चार छ चौबीस सात साल का ब्याज कितना हो जाएगा तो सात साल का ब्याज आपका सात छत बयालीस नौ सत्य तिरसठ चार सड़सठ हाथ में छः दस सत्य सत्तर छः छिहत्तर तो सात साल का ब्याज है ये सात साल का मिश्रण है दो में से दो जाएगा जीरो बारह में से सात जाएगा पाँच चौदह में से छः जाएगा आठ तेरह में से सात जाएगा छः अड़सठ सौ पचास रुपया आपका उत्तर होगा अड़सठ सौ पचास ठीक <laughs> है नेक्स्ट देखिए अगला एक त्रिभुज की भुजा जो है वो चौतीस परसेंट की वृद्धि की जाती है उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो तो संबाहु त्रिभुज की भुजा चौतीस परसेंट बढ़ा है तो आपका क्षेत्रफल तो होता है आपका भुजा रूट थ्री बाय फोर इंटू भूजा स्क्वायर जब दो बार गुना के रूप में है तो सक्सेसिव लगा दीजिए चौतीस प्लस चौतीस प्लस चौतीस गुना चौतीस बटा सौ चौतीस गुना चौतीस बटा सौ तो चौतीस का स्क्वायर कितना हो जाएगा चार चौ सोलह चार ते बारह गुना चौबीस एक पच्चीस तीन तेरह नौ दो ग्यारह ग्यारह सौ छप्पन ग्यारह दशमलव पाँच है चौतीस तो चौतीस अड़सठ अड़सठ और ग्यारह अड़सठ और ग्यारह सेवन नाइन पॉइंट फाइव सिक्स हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए अगला सवाल देखिए इसका योग ज्ञात करें हालांकि ये तो जीपी का सीरीज है जीपी से भी बन जाएगा उससे आसान तरीका हम बताते हैं डिजिटल सम तीन का पावर नौ डिजिटल सम जीरो तीन का पावर सत्ताईस डिजिटल सम जीरो तीन का पावर कुछ भी कर दीजिएगा डिजिटल सम जीरो और तीन तो तीन प्लस जीरो डिजिटल सम तीन हो गया डिजिटल तो सम तीन यहां देखिए छह छह बारह पांच सत्रह एक अठारह नहीं है आठ चार बारह नौ इक्कीस इक्कीस का डिजिटल सम तीन ये सही है छह तो पांच सत्रह डिजिटल सम नहीं है आठ दो दस तीन तेरह डिजिटल सम चार तो एक ही ऑप्शन है सी बाकी जीपी से भी इसको बना सकते हैं तो जीपी से ज्यादा शानदार तरीका आपको बता दिया नेक्स्ट देखिए आगे अगला है ए बी और सी एक काम को क्रमशः तीस चालीस और पचास दिन में पूरा कर सकते हैं एक किसी काम को तीस दिन में बी उसी काम को चालीस दिन में और सी उसी काम को पचास दिन में पूरा कर सकते हैं ये टाइम है इसका पावर निकाल लीजिए तीस चालीस पचास का एल्सियम आपका हो जाएगा छ सौ तो ये बीस ये पंद्रह ये बारह टोटल तो काम 600। सौ आप कहता है ए से परम करके यदि ए बी और सी एकांतर रूप में काम करते हैं यानी बारी बारी तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा तो तीन दिन में आप ये लोग करता है बीस दस तीस दस चालीस सात सैतालीस का और आपको लाना है छः सौ तो छः सौ लाने के लिए आप यहाँ कर दीजिए बारह से गुना बारह से गुना करिएगा तो बरसते चौरासी पर चौका अड़तालीस अड़तालीस और आपका आठ हो जाएगा पाँच सौ चौंसठ सौ चौसठ काम हो गया बारह 36 दिन में अब जो काम बचा है वो बचा है आपका कितना तो ए बी और सी एकांतर रूप से काम करते हैं तो अगला दिन आपका ए आएगा और ए आएगा तो बारह तत्तीस एक सैंतीस और काम करेगा बीस तो बीस काम करेगा तो पाँच सौ चौरासी हो जाएगा अगला बार आएगा आपका बी अब बी आएगा तो पंद्रह काम कर देगा और पंद्रह काम करेगा तो एक दिन और लग जाएगा तो आपका टोटल हो गया बीस दस तीस पाँच पैंतीस तो आपका 64 और पैंतीस हो गया आपका नाइन्टी नाइन नाएं। अब मात्र एक काम करने आएगा और वो करेगा सी सी का क्षमता आपका बारह तो एक बटा बारह दिन लेगा तो छत्तीस सैतीस अड़तीस पूर्णांक बारह तीनों मिलकर एक एक दिन काम करेगा तो अड़तीस पूर्णांक एक बटा बारह दिन में काम खत्म हो समझ में आया या कहीं कोई दिक्कत है <laughs> ठीक है ना आप सभी लोग बताइएगा कोई दिक्कत रहेगा तो आगे देखिए है एक सिपाही 200 मीटर एक सिपाही 200 मीटर दूर एक चोर को देखता है सिपाही ने पीछा करना शुरू किया तो देखिए 200 मीटर की दूरी पर आपका चोर भी था और सिपाही भी था और ये कहा कि 200 मीटर की दूरी पर चोर और सिपाही था तरह चोर चलता है छः के स्पीड से और सिपाही चलता है आठ के स्पीड से पकड़े जाने से पहले कितना दूर चोर दौड़ पाएगा तो पहले समय निकाल लीजिए कितना समय लगेगा 200 तो दो सौ मीटर की दूरी को तय करने में सापेक्षिक चाल घटेगा आठ और छः दो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए पाँच बटा तो पाँच गुना दस यानी तीन सौ साठ सेकेंड में आपका सिपाही चोर को पकड़ लेगा तो तीन सौ साठ सेकेंड में चोर तो कितना दूर भागेगा तो दूरी भागने का मतलब है चाल गुना समय समय तीन सौ साठ सेकेंड और चाल आपका छः किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिए क्योंकि आपका कितना दूर मीटर में बदलना है अट्ठारह दुना छत्तीस छः तो दुना बारह पचे साठ छह मीटर की दूरी आपका चोर पकड़े जाने से पहले भाग जाएगा ठीक है समझ आया आपको आगे देखिए रवि एक काम चालीस दिन में पूरा कर सकता है रवि जो है एक काम चालीस दिन में सुधा उसी काम को साठ दिन में रवि एक काम चालीस दिन में और सुधा जो है वो एक काम साठ दिन में ये टाइम है इसका पावर निकाल लीजिए तीन अनुपात दो अब कहता है यदि वे पहले दिन सुधा से शुरू करके एकांतर दिन में काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा तो टोटल काम हो जाएगा चालीस या बीसा से एक सौ बीस और वे एकांतर दिन में काम करते हैं यानी एक दिन ए एक दिन बी तो दो दिन में पांच काम होगा और टोटल काम एक सौ बीस करना है तो आपका पन ये चौबीस पचे बीसा से और चौबीस सुना अड़तालीस अड़तालीस दिन आपका उत्तर होगा ठीक है अड़तालीस दिन आपका उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है तेईस दशमलव एक सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप केंद्र पर अठारह याद कीजिए आपका यूज पाई करना है तो आप देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर नियम से तो बना ही देंगे इसको लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है देखिए अगर वृत्त के केंद्र के पर 18 डिग्री का चाप है 18 डिग्री का केंद्र पर बनाता है तो तेईस दशमलव एक सेंटीमीटर लंबाई का चाप बनाता है यानी वृत्त का जो च... पूरा परिमाप होगा वो तो 18 डिग्री पे अगर तेईस दशमलव एक है तो 360 डिग्री पे आपका इतना हो जाएगा गुना बीस यहाँ से यहाँ खत्म दो और तेईस गुना छियालीस तो आप देखिए चार सौ बासठ ब्रत का परिमाप है तो आपका वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर करेंगे तो टू पाई आर करेंगे वहां से आर निकल जाएगा और आर का मान वहां पुट कर देंगे लेकिन हम आपको एक चीज और बताते हैं वृत्त का क्षेत्रफल जब पाई आर स्क्वायर आएगा तो पाई में ग्यारह आएगा और आर का मान यहाँ साफ दिख रहा है कि बट्टा में ग्यारह तो नहीं आएगा इसलिए बाईस को ग्यारह काटेगा का नहीं तो ग्यारह मल्टीपल में रहेगा से कटने वाला ही ऑप्शन होगा और यहां 9, 1, 10, और 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 देखिए में से कट सकता है यहां देखते हैं आठ एक नौ नौ आठ सत्रह सात छो तेरा पांच अठारह ये नहीं कटेगा नौ एक दस दस आठ अठारह आठ छे चौदह पांच उन्नीस ये भी नहीं कटेगा सात एक आठ आठ सोलह नौ छो पंद्रह पांच बार ये भी नहीं कटेगा तो कंफर्म है कि ग्यारह से कटने वाला एकमात्र डाटा है और हमारा आंसर वही हो जाएगा समझ तो में आया नेक्स्ट <laughs> देखिए है? दिखता है ये थोड़ा सा ओवर कर देगा तो क्या दिक्कत समीक्षाधीन अवधि के दौरान महाराष्ट्र से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान दिल्ली से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का अनुमानित कितना प्रतिशत है तो महाराष्ट्र से चयनित तो महाराष्ट्र आपका ये है इसका चयनित ये है जोड़ लीजिए कितना है चार नो, नो पांच चार नौ नौ पांच चौदह हाथ में एक आठ एक नौ 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 और नौ सात नौ सात सोलह सोलह छः बाईस बाईस आठ तीस और तीस अ छत्तीस तीन सौ चौसठ पाँच नौ नौ पाँच चौदह आठ एक नौ नौ सात सोलह सोलह और आठ चौबीस चौबीस से तीस और तीस से छत्तीस तीन सौ चौसठ और दिल्ली से चयनित ये आठ चार बारह बारह दो चौदह नौ एक दस दस चार चौदह चौदह और नौ चौदह और नौ आपका तेईस सात तीस आठ अड़तीस अब रहा है दिल्ली के उम्मीदवारों की संख्या का कितना परसेंट तो दिल्ली का उम्मीदवार तीन सौ चौरासी का कितना प्रतिशत है महाराष्ट्र तीन सौ चौसठ अब प्रतिशत के लिए सौ से गुना तो अब ये सीधा सीधा आप लगा दीजिए तो नौ से सब में लगा है तो नौ बार लगा दीजिए नौ चौ छत्तीस नौ अठी बहत्तर बहत्तर और तीन पचहत्तर नौती सत्ताईस सत्ताइस, सत्ताइस सात चौंतीस तो चौंतीस सौ छप्पन घटा लीजिए छत्तीस सौ चालीस से दस में से छः जाएगा चार और तेरह में से पाँच जाएगा आठ और यहाँ हाँ दस में से छः जाएगा चार और ये हो जाएगा आपका तेरह में से पाँच जाएगा आठ अब पाँच में से चार जाएगा एक और ये आपका ज़ीरो अट्ठारह सौ चालीस और अब अब जो लगेगा आपसे वो आपका नौ चौका छत्तीस नौ आठ बहत्तर तीन पचहत्तर नौ तीया सत्ताईस सत्ताईस और सात आपका चौंतीस तो चौंतीस सौ छप्पन अगर इसमें घटाते हैं तो दस में से छः गया चार तेरह में से आ, दस में से छः जाएगा आपका चार तेरह में से पाँच जाएगा आठ और पाँच में से चार जाएगा एक एक हता अठारह सौ चालीस और ये जो लग जाएगा आपका छः बार में तो नहीं लगेगा ज़्यादा हो जाएगा और उसके बाद अगर चार बार लगाते हैं तो चार चौका सोलह आठ चौका बत्तीस एक तैतीस चार तिया बारह तीन पंद्रह तो चार बार ही लगेगा चौरानवे तो दशमलव सात नौ परसेंट आएगा ठीक है आगे देखिए दिखे। देखिएगा लिखा टेन पाई वाई सिक्स प्लस सिक्स बराबर तीस डिग्री टेन तीस का मान वन बाई रूट थ्री और सेक पाई सिक्स मतलब सेक तीस का मान टू बाई रूट थ्री टू दो एक तीन बटा रूट थ्री आपका कट के हो जाएगा रूट थ्री बोलिए समझ में आया आपको ये सब तो आसान क्वेश्चन है ये सब तो आसान है नेक्स्ट देखिए अगला सत्रह नंबर है आधार त्रिज्या छह सेंटीमीटर ऊंचाई आठ सेंटीमीटर शंकु का संपूर्ण पिस्ट तो का क्षेत्रफल तो शंकु का संपूर्ण पिस्ट का क्षेत्रफल होता है पाई आर और एल प्लस आर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया जिसमें शंकु का त्रिज्या जो है वो आपका छः है शंकु का जो ऊंचाई है वो आठ है तो त्रियक ऊंचाई दस होगा पाई का मान बाईस बटा सात, आर का मान आपका छः है एल और आर का मान एल आपका दस और आर आपका छोलह अब देखिए ये जो है आपका अगर हम क्योंकि आपका जो डाटा है उसके अनुसार देखते हैं तो सोल में, अगुना बाईस, अबटा सात तो तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो सात तिया है, तीन दशमलव कुछ आएगा यानी तिया अट्ठारह नौ तिया सत्ताईस एक अट्ठाईस दो सौ अट्ठासी से हल्का सा ही ज्यादा होगा तो आप कह सकते हैं तीन सौ एक दशमलव सात एक उत्तर होगा कौन सा कर रहे हैं? ये सॉल्यूशन कहां से कर रहे हैं सॉल्यूशन कहां से कर रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ सॉल्यूशन आपका सेट का कर रहे हैं आपका कमेंट साथ में देख भी रहे हैं कि आप क्या क्या लिख रहे हैं सॉल्यूशन कहां से कर रहे हैं इसका क्या मतलब 18 देखिए पंद्रह पुरुष एक काम को पच्चीस दिन में और पच्चीस महिलाएं उसी काम को चालीस दिन में तो पंद्रह पुरुष जो है एक काम को वो पच्चीस दिन में करता है जबकि पच्चीस महिलाएं उसी काम को चालीस दिन में करते हैं तो पच्चीस से पच्चीस खत्म आठ पचे चालीस और पांच या पंद्रह आठ अनुपात तीन का रेशियो हो अब पंद्रह पुरुष एक काम को पच्चीस दिन में तो पंद्रह पुरुष का क्षमता हो जाएगा एक पुरुष का क्षमता आठ तो पंद्रह पुरुष का क्षमता पंद्रह क्षमता से, से पच्चीस तो और पचीस महिला तो पुरुष के मतलब पच्चीस पचहत्तर तो ये हो जाएगा एक सौ पंचानवे क्षमता कितना दिन लगेगा तो आप देखिए पाँच से काट दीजिए पच्चीस पचास एक सौ पच्चीस और पांच पंद्रह अब पांच नमा पैतालीस तेरह उनचालीस और चार तिया बारह और D बराबर हो जाएगा चालीस पचे दो सौ बटा तेरह तो दो सौ बटा तेरह के मतलब बटा में तेरह होगा तेरह एकम तेरा बाकी बच जाएगा सात और तेरह छक अठहत्तर और बाकी बच जाएगा दो तो सोलह पूर्णांक दो बटा एक सेकेंड रुके चालीस पचे दो सौ तेरह एकम तेरह बाकी बच जाएगा सात तेरा पचे पैंसठ होगा ना तेरा एकम तेरा तेरा पचे पैंसठ पंद्रह पूर्णांक पांच बटा तेरा पंद्रह पूर्णांक पांच बटा तेरा आपका ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा है आपका पढ़ा हुआ कौन कौन चैप्टर है बताइए उस क्वेश्चन जो पढ़ा हुआ चैप्टर है उसका क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं जो पढ़ा हुआ नहीं चैप्टर है वो थोड़ा कम समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है आप नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिए हैं नंबर सिस्टम का क्वेश्चन समझ में आ रहा ठीक है रेशियो कंप्लीट कर रहे हैं रेशियो समझ में आ रहा ठीक है परसेंटेज अ... का क्वेश्चन है परसेंटेज आपका पढ़ा हुआ है समझ में आ रहा है तो ठीक है अगर चैप्टर पढ़ा हुआ है और वो नहीं समझ में आ रहा तब दिक्कत वाला बात है जो चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं वो तो थोड़ा कम समझ में आएगा जैसे ये मिश्रण का ये एलिगेशन का क्वेश्चन है देखिए सुहानी अपनी नब्बे हजार रुपया की संपूर्ण आय तीस परसेंट से उस पर पे टैक्स पेड करती है जबकि रितिका रितिका जो है रितिका जी बाई रुपये की संपूर्ण आय पर चालीस प्रतिशत की दर से टैक्स पेड करती है, और संयुक्त आय पर टोटल सैंतीस परसेंट आपका टैक्स जमा होता है दोनों मिलाकर तो ये आपका सात और ये आपका तीन और तीन अनुपात सात का अंतर यहाँ नब्बे हजार रुपया आपका सुहानी की आय है यहाँ सुहानी की आय तीन बाई मान रितिका जी का था सात से गुना और सतिया आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा सर गौतम भाई ये क्वेश्चन मिलेगा एप्लीकेशन पे जाइएगा कैरियर हब एप्लीकेशन बीच में आप होम पेज पर पे जाएंगे बीच में फ्री टेस्ट का आपका दिखेगा उसमें अंदर जाइएगा तो आपको सिलेक्शन की तैयारी नामक एक बैच रहेगा जिसमें रोज सेट लगता है और रोज सॉल्यूशन होता है आपका सुबह आठ बजे सेट लग जाता है आठ बजे सुबह से लेके सात बजे रात तक कभी भी सेट बना लीजिए टाइम निकाल के आप पैतालीस मिनट पच्चीस मैथ पच्चीस रीजनिंग दोनों रहेगा और उसके बाद जब सात बज जाएगा तो सेट का सेक्शन बंद हो जाता है उसके बाद आप सेट नहीं बना सकते हैं उसके बाद आठ बजे से आपका सेट का सोल्यूशन मैं करूंगा मैथ और का नेक्स्ट देखिए प्रतिदिन पांच घंटा काम करके एक काम को आठ दिन में पूरा करते हैं देखिए एक पांच घंटा प्रतिदिन काम करके आठ दिनों में एक काम कर सकता है और प्रतिदिन घंटा काम करके भी जो है आपका दस दिन में पूरा कर सकता है यहां से दोनों का क्षमता का रेशियो निकाल लीजिए तो यहाँ देखिए आपका चार दुना आठ यहाँ दो निकाल लीजिए और यहाँ दो निकाल लीजिए पाँच से पाँच ऐसे भी कट जाएगा क्षमता का रेशियो तीन अनुपात चार एक जगह सेट कर दीजिए एक आ तीन क्षमता पाँच घंटा आठ दिन में काम खत्म करता है अब लिखता है तब प्रतिदिन आठ घंटा काम करके संयुक्त रूप से यानी दोनों मिलके तो दोनों मिल जाएगा तो चार तीन सात क्षमता से आपका दोनों मिल जाएगा तो सात क्षमता से आठ घंटा में अगर काम करेगा तो काम कितने दिन में पूरा होगा देखिए आठ से आठ खत्म पांच या पंद्रह बराबर सेवन डे बी का मान हो जाएगा आपका पंद्रह बटा सात ये तो ऑप्शन नहीं है एक मिनट हम देख लेते हैं वर्किंग फाइव आवर्स ए डे कैन कंप्लीट टास्क इन एट डेज एंड वर्किंग सिक्स आवर कैन फिनिश द सेम टास्क इन टेन डेज पांच घंटा काम करके ए एक काम को आठ दिन में और प्रतिदिन घंटा काम करके बी उसी काम को दस दिन में पूरा कर सकता है तो अगर हम यहाँ से अच्छा ये गलत है ये यहाँ गलती कर दी है थोड़ा सा कैलकुलेशन में चार दूना आठ पांच दूना दस दो दु दूना चार दो तीन छ और रेशियो हो जाएगा आपका जाएगा। चार दूना आठ दो इधर से दो इधर से पांच से पांच खत्म हो तो जाएगा तीन अनुपात दो यहाँ देखिए, पांच घंटा ये काम करता है तो एक तीन क्षमता पांच घंटा आठ दिन दोनों संयुक्त रूप से काम करेगा तो दोनों का क्षमता तीन दो पांच प्रतिदिन आठ घंटा काम करेगा तो कितना दिन लगेगा तो आठ से आठ कैंसिल पाँच से पांच कैंसिल आंसर हो जाएगा दोनों मिलकर तीन दिन में काम खत्म करेगा नेक्स्ट <coughs> देखिए ये लिखा हुआ है अच्छा ला, लास्ट में हम आपसे बात करेंगे अभी सेट का कर सोल्यूशन करने दीजिए नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा एक्स फोर टू एक्स स्क्वायर प्लस वन जिसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और यह है नीचे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ऊपर में लिख सकते हैं आप ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और ये दोनों का पावर स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दीजिए अंदर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ये से ये कट जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी टू एक्स क्योंकि आपका ऑप्शन सी है नेक्स्ट देखिए, <coughs> अगला पाँच नंबर सवाल है मैथ वाला लिखा हुआ है कि x आठ माइनस वन बटा एक्स का आठ का मान क्या हो जब कभी भी ऐसा सवाल रहे तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स फोर प्लस वन बटा एक्स फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर इंटू आपका एक्स प्लस वन बटा एक्स इंटू एक्स माइनस वन बटा एक्स वापस आपका यही आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर एक्स फोर माइनस वन बटा एक्स फोर इस फिर एक्स एट माइनस वन बटा एक्स है इसका मान रूट छ दिया हुआ है इसका मान निकालना है माइनस दिया है प्लस निकालना है सेम पावर में स्क्वायर करके अंडर रूट में चार ऐड कर देना होता है रूट छ का स्क्वायर छः आ चार दस और इसका मान निकालना है तो स्क्वायर करके दो जोड़ना पड़ेगा छः आ आठ इसका मान निकालना है तो इसका स्क्वायर करके दो आपका हटाना पड़ेगा क्योंकि प्लस से आप प्लस आएंगे चौसठ माइनस दो आपका बासठ हो जाएगा अब आप यहां से कैलकुलेशन कर दीजिए दस छक साठ के मतलब रूट पंद्रह और चार बाहर आ जाएगा दो दू, आठ दूना सोलह और सोलह सोलह दुना बत्तीस और सोलह छक छियानवे तीन निन्यानवे यानी आपका नौ सौ बानवे रूट पंद्रह आपका उत्तर होगा नौ सौ बानवे रूट पंद्रह आपका बी ऑप्शन है ठीक है ना सबसे पहले आप वो लिखेंगे रूट छ ये रूट दस इसका मान निकालेंगे तो माइनस से प्लस स्क्वायर करके दो जोड़ेंगे तो रूट छ का स्क्वायर छः दो आठ यहां से यहां आएंगे तो आठ का स्क्वायर चौसठ माइनस दो बासठ ठीक है नेक्स्ट देखिए यह लिखा हुआ है 12% परसेंट बीस परसेंट और 25% परसेंट का क्रमिक छूट का मान क्या होगा तो आपका 12% परसेंट मतलब क्या होता है 12% परसेंट के मतलब तीन बटा पच्चीस होता है चार परसेंट के मतलब एक बटा पच्चीस यानी पच्चीस का समान आपका तीन छूट में यानी बाईस में बेचेगा आगे देखिए बीस परसेंट मतलब एक बटा पांच पांच का सामान चार में बेचेगा पच्चीस परसेंट का मतलब एक वटा चार चार का सामान तीन में बेचेगा आपका जो कट्टा यहीं पे काट दीजिए तो ये हो जाएगा पच्चीस पच्चे एक सौ पच्चीस और ये हो जाएगा बाईस या छियासठ तो कितने का छूट दिया तो आप देखेंगे पंद्रह में से छो जाएगा नौ और ग्यारह में से छो जाएगा पाँच उनसठ का छूट एक सौ पच्चीस पे प्रतिशत के लिए सौ से गुना पच्चीस चौका सौ पच्चीस पचे एक सौ पच्चीस नौ चौका छत्तीस पांच चौका बीस तीन तेईस अब पांच से भाग देना रहता है तो दो से गुना करके एक अंक के बाद दशमलव दो दुना बारह तेईस दुना छियालीस एक सैतालीस सैतालीस दशमलव दो परसेंट का डिस्काउंट हो जाए ठीक है <laughs> नेक्स्ट देखिए, 24 नंबर, साइन थीटा का मान 4 बटा 5, ये तो काफी इजी सवाल, है साइन बराबर लम बटा कर आधार आपका तीन, साइन थीटा बराबर लम बटा आधार 4 बटा 5, कोट थीटा सॉरी, लम बटा आधार यानी 4 बटा तीन, कोट थिट्टा बराबर तीन बटा चार, आपका एलसीएम 12 तीन चौका का बारह चार चौ सोलह चार तिया बारह तीन तिया नौ सात बटा बारह उत्तर होगा ऑप्शन सी काफी आसान नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन राम मोहन को 20 परसेंट लाभ पर एक सूटकेस बेचता है मोहन इसे 40 परसेंट लाभ पर श्याम को बेच देता है श्याम इसके लिए इतना भुगतान करता है राम कितना में खरीदा था मान लेते राम एक्स में खरीदा था बीस परसेंट का मतलब एक बटा पांच का प्रॉफिट यानी छः बटा पांच में बेचेगा मोहन को और मोहन चालीस परसेंट लाभ पर श्याम को बेचता है यानी दो बटा पांच का लाभ दो बटा पांच का लाभ यानि सात बटा पांच में बेचेगा और यहाँ आपका जो विक्रैमुल है वो चौदह सौ तीस है तो राम का क्रैमुल निकालना है तो आप सबसे पहले ये सोचो ये पाँच पचे पचीस उधर जाएगा कि नहीं तो उधर जाएगा तो आपका पच्चीस से कटने वाला ऑप्शन होगा जो कि ये है यही एक ऑप्शन ही है पच्चीस से कटने वाला नहीं तो आप देखिए चौदह सौ तीस राम सेल्स इसका मतलब है ये पूरा पूरा नहीं कटेगा रुक जाइए ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। साथ से तो ये नहीं रहा है। बीस परसेंट प्रॉफिट पर राम बेचा किसको? मोहन को बीस परसेंट मतलब एक बटा बटा पांच पांच। और मोहन श्याम चालीस परसेंट प्रॉफिट पे तो चालीस परसेंट प्रॉफिट का मतलब हुआ आपका दो बटा पांच सात बटा पांच में बेचेगा और ये श्याम जो है चौदह सौ तीस पेड किया है तो यह आपका काट लीचे कैसे कटेगा क्या देखिए ना बारह बाकी बच गया आपका दो होती है अट्ठारह से कटेगा तीन और ये हो जाएगा आपका सात दूना चौदह और ये पंद्रह दूना तीस पूरा पूरा नहीं कटेगा पूरा पूरा नहीं कटेगा तो आपका सात सौ पंद्रह गुना पच्चीस अपटा इक्कीस ये आंसर दशमलव में आएगा और दशमलव में मात्र एक ही ऑप्शन है ठीक है दशमलव में मात्र एक ही ऑप्शन है इसलिए उसका जो आंसर होगा वो आपका वही होगा ठीक है आठ सौ इक्यावन पॉइंट उन्नीस वो डायरेक्ट देख के हम लोग आंसर नहीं दे सकते थोड़ा गलती हो जाएगा नहीं तो ये छः और सात से तो कटी नहीं रहा जब कट ही रहा है तो फिर कैसे पच्चीस से कटने वाला ऑप्शन लगाए मैथ खत्म हो गया यहां से आपका रीजनिंग है जो नया स्टूडेंट हैं वो सबसे हम लास्ट में बात करेंगे पहले सेट को सॉल्व कर लेते हैं देखिए ये क्या है कि इक्कीस तिरसठ और तीन एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है छियासठ बत्तीस तिया छियानवे और तीन निन्यानवे पच्चीस तिया पचहत्तर तीन अठहत्तर नहीं है चौबीस तिया बहत्तर तीन आपका पचहत्तर नहीं है छत्तीस तिया एक सौ आठ आ तीन एक सौ आठ और तीन आपका आठ तीन ग्यारह होगा नहीं है पैंतालीस तिया एक सौ पैंतीस और तीन एक सौ अड़तीस एकदम सही है तो इस सवाल का उत्तर डी ऑप्शन होगा थोड़ा फास्ट करें कितना फास्ट करें बताओ ये लोग फास्ट करना शुरू करते हैं वर्णमाला के आधार पर ये से ये लिखा इसमें तीन घटा है आठ में से तीन जाएगा पांच दस में से तीन जाएगा सात सीधा जिसका पूछा उसको खोजो क्या पांच में से तीन जाएगा दो एक ऑप्शन है हटाओ ग्यारह में से तीन आठ आगे बाकी आप चेक कर लीजिए वही एक ही आंसर है ये यहां देखिए ये आपका क्या होगा यहां तो यहां देखिए तिरासी से इक्यासी हो गया माइनस दो घटा यहां आपका माइनस चार घटा यहां आपका माइनस आठ घटा यहां आपका माइनस सोलह घटा यहां क्या घटाइएगा माइनस बत्तीस तो आपका एक इकाई अंक होगा ये ऑप्शन होगा ठीक है नेक्स्ट आ जाओ यहां देखो चौथा तो नंबर सवाल ये तो एकदम भर भर के पूछा है यहां देखिए इतना यह बड़ा डाटा है कि गुना करने पर ही आएगा बारह गुना ग्यारह एक सौ बत्तीस अब पाँच जोड़ दिया एक सौ सैंतीस तो यहाँ भी चेक कर लीजिए सत्रह एकम सत्रह सत्रह दुना चौंतीस एक पैंतीस अब पाँच जोड़ दीजिए तीन सौ बासठ ऐसा ही ढूंढ लीजिए अठारह एक सौ बासठ ये तो होगा ही नहीं पच्चीस गुना कैश करेंगे तो आपका पच्चीस एकम पच्चीस पच्चीस दुना पचास पचास और दो बामन पच्चीस से कम पच्चीस पच्चीस दुना पचास और उमन अब पांच जोड़ेंगे तो पांच सौ तीस यही सही है नेक्स्ट देखिए अगला अगला है ब्लड रिलेशन से इसके आधार पर कि कैसे किस प्रकार संबंधित है चेक करो भागा का अर्थ है ए बी की माता है ये इसकी माता हो गई गुना का अर्थ है आपका क्या गुना का अर्थ है भाई ये भाई हो गया और माइनस का अर्थ क्या है माइनस का अर्थ है पत्नी ये आपकी पत्नी हो गई आपकी नहीं है इसका प्लस प्लस का अर्थ क्या है प्लस का अर्थ है पिता ये पिताजी है और ये कैसे किस प्रकार संबंधित है चलिए शुरू कर देते हैं शुरू से पिता पिता की पत्नी माँ माँ का भाई मामा मामा की माँ नानी मामा की माँ नानी ऑप्शन एक होगा क्वेश्चन के आगे से हट जाए करें एकदम हट जाते हैं अगले बार से ये लो देखो आप मुझे ये बताओ इसका सॉल्व सॉल्व करना है एकदम तेजी में करिए दूसरा नंबर पे भाट है पीछे से शुरू करो चौदह में से दो जाएगा चौदह में से तीन जाएगा ग्यारह ग्यारह में से तीन जाएगा आठ आठ में से तीन जाएगा पांच अब पांच में से तीन जाएगा दो और मुझे लगता है दो ऑप्शन तो गया काम से अच्छा डिजिट जरा देख लेते हैं बहत्तर चार छिहत्तर चार, चार, चार अस्सी अस्सी चार चौरासी चार, चार अठासी आंसर हो गया आपका सी नेक्स्ट अगले सवाल पे आ जाइए ये लिख रहा है कि इसमें बताओ कि क्या होगा तो ये तो बहुत आसान होता है सीधा उतार दीजिए एक अर्थ है भागा एक अर्थ भागा डाल लो बी का अर्थ है गुना गुना डाल लो डी का अर्थ है माइनस माइनस कर लो और प्लस का सी का अर्थ है प्लस प्लस कर लो भागा दीजिए सत्रह पचे पचासी गुना करिए सत्रह चौका अड़सठ एक सौ चौदह प्लस अड़सठ और माइनस का तैतीस आप अड़सठ में से तैतीस घटाइएगा तो आपका पैंतीस आएगा और इसको जोड़िएगा तो इकाई अंक में नौ यही है ये यह है एक सौ उनचास ऑप्शन आपका बी होगा और ज़्यादा को ज़्यादा तेज़ी में होगा तो बताइएगा स्लो भी हमको होना आता है और फास्ट भी हमको होना आता है जैसे आप कहेंगे उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे लेकिन अगर आप मुझ पर छोड़ देंगे तो हम अपने तरीके से करेंगे जो सवाल आसान होगा उसको तेज़ी में और जो सवाल कठिन है उसको थोड़ा सा स्लो करके आपको तो समझाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर मुझे मेरे अनुसार पढ़ाने देंगे तो यहाँ देखिए इस शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला में व्यवस्थित करेंगे तो कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित परिवर्तित तो चेक करो फटाफट ए ए के बाद कौन आएगा पी पी के बाद कौन आएगा बाय चेंज नहीं हुआ ये चेंज नहीं हुआ ये और चेंज नहीं हुआ ये तीन आदमी अपनी जगह पे स्थित रहा कोई उसको इधर उधर नहीं कर पाया नेक्स्ट आ जाओ ये लिखा हुआ है बताओ कि इसमें कौन आपका बाटर इमेज सॉरी मिरर इमेज है तो देखिए मिरर इमेज तीन उल्टा हो जाएगा यह सीधा है यह सीधा है तो गया काम से ए उल्टा हो जाएगा यहां भी उल्टा है यहां भी उल्टा है उसके बाद ई उल्टा हो जाएगा उल्टा दोनों जगह है डी भी तो उधर जाएगा तो यहां आपका डी उधर जाएगा यहां नहीं गया है ऑप्शन ए को नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए अगला बार बार सवाल पूछता है तेजी में सॉल्व करिएगा भागा और गुना को चेंज करना है तो भागा और गुना को चेंज करेंगे यहाँ गुना लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे तो पहले पंद्रह में आठ से भागने लगेगा इसको चेक ही मत करो लास्ट में करना यहाँ देखिए माइनस और भागा को चेंज करेंगे भागा ये हो गया और माइनस ये होगा चौदह तो में पांच से भागेने लगेगा छोड़ दीजिए आगे देखिए इसके बाद अगर माइनस और गुना को चेंज करते हैं तो ये आपका गुना और ये आपका माइनस चेंज करो पंद्रह पचे पचहत्तर उसके बाद चौदह पचे सत्तर माइनस का आठ और आपका पांच, तो सत्तर और पाँच पचहत्तर पचहत्तर में से आठ घटा दीजिए सड़सठ यही आंसर होगा। सही सी ही आपका उत्तर है नेक्स्ट ग्यारह नंबर देखिए लिखा है सभी हाथी भाग है सारा जो हाथी है वो क्या है तो आप कहेंगे सर सारा हाथी तो बाघ है आगे लिखा हुआ है सारा बाघ घोड़ा है सारा भाग बाघ जो है वो घोड़ा है कोई घोड़ा ऊट नहीं है तो ऊट को हटा दीजिए उठ कोई घोड़ा नहीं है लिखा है कुछ घोड़े हाथी हैं बिल्कुल कुछ घोड़ा हाथी है कुछ ऊट भाग बाघ हैं ऊट बाघ के घर में जाएगा ही नहीं मना किया हुआ है तो केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है ऑप्शन एक होगा नेक्स्ट देखिए यहां है कौन आपका गणितीय संक्रियाओं को करने की अनुमति नहीं है तो आप देखेंगे यहां पर छियालीस में से 41 जाएगा आपका बचेगा पांच पंद्रह नहीं है तेईस में से अठारह जाएगा आपका पांच या पंद्रह तिगुना है सोलह में से नौ जाएगा सात चौतीस में से अट्ठाइस जाएगा ऑप्शन पहला ही है बाकी सब में अंतर करके लास्ट में तिगुना कर दिया नेक्स्ट देखिए इसमें दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो त्रिभुजों की संख्या जो है आपका वो आपका एक है दो है तीन है चार है पाँच है छः है सात है आठ है और आपका नौ है और भी है क्या हाँ एक बड़ा वाला है दस देखिए टोटल दस को गिना रहा है कोई दोबारा नहीं ना गिने देखिए तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस एकदम सही आंसर था दस नेक्स्ट देखिए दी गई आकृति में जब दर्पण को दिखाए गए के अनुसार आपका एम एन पर रखा जाए तो दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब क्या होगा? ये सीधा तीर तो तीर ऊपर ऊपर जाएगा। तो जो है एक ही ऑप्शन में है डी ऑप्शन नेक्स्ट देखिए यह लिखा हुआ है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को के रूप से बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करें पीछे से ही करिए तेरह में से दू जाएगा ग्यारह ग्यारह में से दो जाएगा नौ नौ में से दो जाएगा सात सात में से दो जाएगा पांच सात वाला ऑप्शन हो आगे देखिए बीट को कर देते हैं छब्बीस में से दू जाएगा आपका चौबीस चौबीस में से चार जाएगा पहले दो घटा फिर चार घटा तो अगर आठ एक घटाते हैं फिर दो ही घटाते हैं तो दो घटाएंगे तो अट्ठारह और फिर चार घटाएंगे तो चौदह चार दो चार दो चार अठारह तो वाला ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट देखिए एक निश्चित कूट भाषा में आपको रेस्टेंट इसको ऐसा लिखा गया है तो ये क्या किया है प्लस दो अठारह दो बीस पांच दो सात नैस दो इक्कीस माइनस दो माइनस दो माइनस दो तीन को जोड़ा है दो तीन को घटाया है सोलह दो पाँच दो सात अठारह दो बीस उन्नीस में से दू जाएगा सत्रह दो उन्नीस पंद्रह में से दू जाएगा तेरह चौदह में से दू जाएगा बारह क्यू एम एल क्यू एम एल आपका ऑप्शन एक ठीक है नेक्स्ट देखिए आपका अगला फिर से एक सीरीज ही है अल्फाबेट का देखो सात में से दू जाएगा पांच पांच में से दू जाएगा तीन तीन में से दू जाएगा एक सत्ताईस में से दू जाएगा पच्चीस पच्चीस वाला एक ही ऑप्शन दो में से दू जाएगा जेड जेड में से दू जाएगा एक्स एक्स में से दू जाएगा भी भी में से दू जाएगा टी नेक्स्ट देखिए एक निश्चित कूट भाषा में आपका वेलकम बैक को वो लिखा है बैक टू तो स्कूल को ये लिखा है तो बैक का कोड क्या होगा तो बैक आपका इसमें भी है और बैक आपका इसमें भी है तो इन दोनों में कॉमन क्या है इन दोनों में कॉमन एम है और क्या है कोई नहीं है। तो इस बैग का कोड जो है वो एम होगा आगे देखिए नेक्स्ट आगे 17 अप्रैल उन्नीस बानवे को शुक्रवार है तो 10 अक्टूबर उन्नीस तिरानवे को क्या होगा पहले तो डायरेक्ट एक साल बढ़ जाता है। 17 अप्रैल और उन्नीस तिरानवे कर देते हैं तो दिन आपका बढ़ के हो जाएगा शनिवार क्योंकि जनरल ईयर में एक दिन बढ़ता है शनिवार अब सत्रह अप्रैल उन्नीस सौ तिरानवे को शनिवार हो गया तो अप्रैल में आपका तेरह दिन और बढ़ा अप्रैल होता है तीस दिन का मई इकतीस दिन का तो तीन और डे मई के बाद आपका जून आपका दो और डे जुलाई आपका तीन और डे अगस्त आपका तीन और डे और सितंबर आपका दो और डे और 10 अक्टूबर के मतलब आपका 10 और डे अब यहां देख लीजिए 13, चार चौदह 16, 3, सोलह तीन उन्नीस बाईस बाईस के मतलब एक और डे तो शनिवार के बाद एक और डे आपका रविवार होगा यानी आपका जो 10 अक्टूबर उन्नीस सौ तिरानवे होगा वो दिन रविवार होगा क्लियर है ना कोई दिक्कत है तो बोलिएगा नेक्स्ट बीस नंबर नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह के प्रत्या स्थापित करने पर क्या आएगा पहले तो ग्यारह बढ़ा है तेरह ग्यारह चौबीस यहाँ देखिए तो आपका बाईस बढ़ा है बाईस चौबीस छियालीस यहाँ देखिए तो चौवालीस बढ़ा है यहाँ अट्ठासी बढ़ेगा यहाँ एक सौ छिहत्तर बढ़ेगा आठ छह चौदह एक ही ऑप्शन है साथ सात चौदह एक पंद्रह दो एक तीन तीन सौ चौदह नेक्स्ट देखिए आगे अगला जो सवाल है आपका कह रहा है बर्नमाला के आधार पर निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक समूह बनाते कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है बीस 22, बाईस तेईस 4, पच्चीस चार ये तो गबड़ है यही गलत हो गया नेक्स्ट बाईस नंबर देखिए ये जो आपका है फिल करने वाला है दो चार छ आठ अच्छा पांच पांच को है ये है लिखा हुआ पाँच, पाँच चार चार को चार चार को लिखा हुआ अब जरा देखिए ऐसे नहीं पता चलेगा लगातार में कौन कौन है यहाँ देखें ग्यारह दो तेरह तेरह दो पंद्रह तो यहाँ हो जाएगा आपका ग्यारह दो नौ और नौ में से दो जाएगा सात सात दो नौ नौ दो ग्यारह ग्यारह दो तेरह तेरह दो दू पंद्रह दूसरा नंबर पे आई फील होगा ये गलत ये गलत ये गलत ये सही बस नेक्स्ट आ जाए ब्लड रिलेशन से दूसरा सवाल है आपके रीजनिंग एल जी की बहन है एल जी की बहन है लेकिन हमें नहीं पता कि जी भाई है कि बहन है डी एम का पुत्र है डी एम का पुत्र है ये लड़का हो गया एम का विवाह डी से हुआ है एम और डी आपका पति पत्नी है लेकिन कौन पति है कौन पत्नी है नहीं मालूम डी ई की बहन है डी ई की बहन है इसका मतलब है ये माइनस और ये प्लस भाई बहन का रिलेशन सिंगल एरो से दर्शाना है ई सी का पुत्र है ई जो है वो सी का पुत्र है ये पुत्र हो गया यानी ये भाई बहन है सी का विवाह एस से हुआ है सी का विवाह एस से हुआ है ये पति पत्नी हुआ एस पी की बहन है एस पी की बहन है तो आपका बहन है तो ये पति हो जाएगा अब कर रहा है एल ई से किस प्रकार संबंधित है तो एल ई से किस प्रकार संबंधित है तो यहां देखिए बहन की बेटी क्योंकि इसकी बहन है इसका ही पति है इसका ही बेटा था इसकी बहन है तो इसकी बहन की बेटी बहन की बेटी हां लगेगी चौबीस तो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है आप ऐसा करिए इसको तिगना करिए छौ अठारह, अट्ठारह चार तिया, तिया बारह एक तेरह एक सौ अड़तीस तीन एक सौ इकतालीस पचपनिया एक सौ पैसठ तीन एक सौ अड़सठ ये भी सही है उनतीस तिया सतासी एक अट्ठासी यही गलत है यही गलत है पैंतीस तिया एक सौ पांच तीन एक सौ आठ ये सही है ये सही है ये सही है ये गलत है, ये है ये इसी को छाटना था डी ऑप्शन नेक्स्ट आखिरी ये वाला रोज आप फंस जाते हैं इसमें पता नहीं क्यों फंस जाते हैं आपको रोज समझाते हैं लास्ट में बताते हैं धीरज पहले यहां देखो यहां जो है आप देखेंगे कि ये हुआ क्या है ये आठ आपका यहां चलाया डी आपका यहां चलाया ओ आपका यहां चलाया ये सब इस प्रकार चेंज हुआ है तिरभुज इधर तीन इधर भी इधर लेकिन इसमें इसमें क्या हुआ कि आप देखेंगे कि ओ यहाँ चलाया एक्स यहाँ चलाया आठ यहाँ चलाया और भी नीचे चलाया ये यहां चलाया और इस दी दी जो है वो यहाँ चलाया और इसमें फिर वही चीज हुआ देखिए क्या हुआ आठ यहां एक्स यहाँ और त्रिभुज यहाँ ये आपस में चेंज तो इसके अनुसार ये चेंज होगा इसके अनुसार ये चेंज होगा तो आपको कुछ नहीं देखना है यहाँ एक एक फोटो से आप सॉल्व कर सकते हैं ये वाला फोटो यहाँ भेजना है तो आपको ये वाला फोटो त्रिभुज को यहाँ भेजना है त्रिभुज यहाँ ए सी में है इसमें नहीं है इसमें नहीं है इन दोनों में उसके बाद देखिए जो बीच वाला फोटो है वो आपका इधर चलाया ये इधर चलाएगा वो इधर चलाएगा यहाँ डी है गलत हो गया वो इधर चलाया ऑप्शन ए एक, एक बार में खत्म हो गया अब बोलिए किसका क्या सवाल है आज सेट नंबर सिक्स खत्म हो गया सोमवार को कल रविवार है कल संडे है कल छुट्टी रहेगा कल कोई सेट नहीं लगेगा संडे को आपका क्लास हमेशा ये वाला बैच बंद रहेगा संडे को छुट्टी रहेगा हमेशा अब जो नेक्स्ट सेट नंबर सेवन नेक्स्ट सेट सातमा जो है जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों एक साथ मिलेगा अलग अलग सेक्शन में जाने की आवश्यकता नहीं मैथ पच्चीस और रीजनिंग भी पच्चीस आपको दिखेगा ठीक है पच्चीस मैथ और पच्चीस रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा समय आपको कितना दिया जाता है कितना समय लगाते हैं पचास मिनट मत देना एक घंटा में तो हाँ नहीं नहीं चालीस मिनट तो क्योंकि एग्जाम में साठ मिनट में तो इन लोग को सब कुछ बनाना होगा पच्चीस मैथ भी पच्चीस रीजनिंग भी पच्चीस इंग्लिश भी पच्चीस जीके भी साठ मिनट में ही बना देना होगा तो चालीस मिनट हाँ रखो चालीस मिनट में पच्चीस मैथ पच्चीस रीजनिंग बनेगा तो ही इस लोगों का स्पीड आएगा और एग्जाम में सही हो हो पाएगा बाकी बीस मिनट में इंग्लिश और जीके लोग कवर करेगा 40 मिनट से ज्यादा समय मत दीजिए ये भी ज्यादा है लेकिन 40 मिनट दे दीजिए ठीक है अब बताइए क्या-क्या सवाल है आपका सर इससे एलपी हो जाएगा बताइए बिल्कुल ये जो सेट आप बना रहे हैं इसमें हम लोग सेट लगा रहे हैं सीएचएसएल का और सीजीएल का, का भी सेट चलेगा लगातार तो सीएचएसएल और सीजीएल का जो सेट है उसमें क्या रेलवे का सवाल नहीं हल होगा इससे रेलवे से बहुत ऊपर है सी जी एल और सी एच एस तो आपका रेलवे का एल पी वाला मैथ रीजनिंग तो कंफर्म बन जाएगा मैथ रीजनिंग बन जाएगा रेलवे का कोई भी एग्जाम है ये नहीं कि खाली ए एल पी का एन टी पी सी आपका ग्रुप डी चाहे आपका ए एल पी दे रहे हैं चाहे रेलवे का सी बी टी टू भी कहांस भी देंगे रेलवे का हर एक एग्जाम इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा और बढ़िया नंबर लेके आएंगे सीजीएल का तो होगा ही आपका सीएचएसएल होगा एमटीएस होगा स्टेट लेवल का बिहार एसएससी का भी मैथ रीजनिंग इसी तरह के का रहेगा प्रियांशु राज सबसे पहले तो ये बताओ ये जो सेट आप बनाए हैं इसमें सबसे पहले एडवांस मैथ कैसे करवाएंगे एग्जाम में तो आपका सब क्वेश्चन मिक्स ना रहेगा जैसे प्रीवियस ईयर में पूछा है पहला क्वेश्चन एडवांस में दूसरा तो, नंबर सिस्टम तीसरा डी चौथा आपका एडवांस में जैसे सवाल रहेगा वैसे आपको करवाएंगे बिल्कुल बिहार एस एस में इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा अरे भाई तुम सीजीएल का सेट बनाया है आज ये जो सत्रह जुलाई आपका 2023 में ये एग्जाम हुआ है शिफ्ट नंबर टू है अब बताओ सीजीएल सीजीएल से भी ज्यादा भारी पूछेगा बिहार एस एस सी उससे बहुत नीचे रहेगा इसको कवर करिएगा बिहार एस एस सी का एक भी मैथ नहीं छूटेगा और किसी का कोई सवाल है बताओ जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्यूशन के समय बड़ी मैसेज करते हो का और कोई क्वेश्चन है चलिए हमें लगता है आप लोग का और कोई क्वेश्चन नहीं है और जो लोग ऑफलाइन में मेरे पास पढ़ना चाहते हैं मेरा नया बैच स्टार्ट हुआ है पांच अप्रैल से केवल इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है तीन बजे शाम में एड्रेस है रांची रोड देवी स्थान मंदिर के निकट मैथ स्पेशल का बैच है और ये इंटर पास जो अभी किया है उन बच्चों के लिए उनके लिए एकदम बढ़िया शानदार बैच है आराम आराम से इसमें चलेगा बैच और ये ऑफलाइन केवल बैच है ठीक है मैथ हमको क्लास समझ आता है बाद में भूल जाते हैं सर अच्छा मैथ आपको क्लास में समझ में आता है उन सर से भी बैच लिए हैं यादव सर और आपका भी बैच लिए हैं तो मैथ समझ में आता है फिर भूल जाते हैं तो इसका एक ही उपाय है अलर्ट रेगुलर आपके नाम में रेगुलर है तो आप क्लास रेगुलर करिए सेट प्रैक्टिस का जो आपने एक बार बैच खरीद के पढ़ लिया है अगर अच्छे से आप कॉन्सेप्ट और सर जो पढ़ाएं या हमसे जो पढ़े हैं वो तो बढ़िया से आप रिवीजन कर लिए हैं तो अब आप, आप सेट बनाइए उसी से आपका रिजल्ट होगा सेट रोज बनाइए थैंक यू प्रियांशु पवन कुमार ठीक है बाय टाटा टेक केयर गुड नाइट मिलते हैं अगले क्लास में